हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं या फिर हिंदी के शौकीन हैं तो ये आपके लिए वीडियो है। तो देखिए, गूगल का बहुत ही अच्छा टूल है जिसका नाम है गूगल हिंदी इनपुट है। बेसिकली उस टूल का नाम है गूगल हिंदी इनपुट टूल। आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको इजिली, मैं विंडो के लिए बता रहा हूँ, विंडोज के लिए। अगर आप 7 यूज करते हो तो नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर वाला ठीक है, बट आपको मिल जाता है वो। जिस सिस्टम पे आप होते हैं उस तरीके से गूगल आपको सर्च रिजल्ट देता है, जैसे मैं विंडो में हूं। तो देखिए, ये है गूगल इनपुट टूल ऑन विंडोज, ठीक है। मैं इस टाइम विंडोज यूज कर रहा हूं, तो ये उसके कुछ आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे आके, क्या क्या फीचर है, कैसे यूज होता है। देखिए, यहाँ पे बहुत स्मार्ट चीज है, इजी टू यूज एंड इंटेंसिव, चूज योर लैंग्वेज। तो मेरे को हिंदी है, एग्री कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। चलो जी, डाउनलोड हो गया। तो देखिए, यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो डाउनलोड होने देते हैं हम इसको, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ऐसे डाउनलोड होता है बेसिकली, पहले ये ओनली एज ए जिप फाइल होती है, फिर ये सेटअप डाउनलोड होगा। तो सेटअप डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि आपके नेट की स्पीड कैसी है। कनेक्टिंग टू द इंटरनेट 10 मिनट 18 मिनट हो सकता है। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं हम। चलिए, 2 मिनट रह गया, 2 3 मिनट 4 मिनट हो गया भाई। चलिए, तो 15 सेकेंड रह गए और ये हो गया। जब तक ये होता है तो मैं फीचर के बारे में आपको बता दूं, तो ऑफलाइन सपोर्ट है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तब भी आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप डिक्शनरी भी है इसके अंदर, इजी कीवर्ड है, जैसे आप इंग्लिश करते हो वैसे ये हिंदी में कन्वर्ट कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर हिंदी में आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, फोन के भी आता है वैसे, फोन में भी अगर हिंदी टाइप करना चाहते हैं तो सेम यही है। आप गूगल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए, ठीक है जी। तो चलिए, ये डाउनलोड हो चुका है, कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद देखिए, एक जूम करके मैं आपको दिखाता हूं कि क्या आ गया है। एक अगर नॉर्मल आप विंडो यूज करते हैं और वैसे आप यूज करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश, ये देखिए इंग्लिश, ING का मतलब होता है इंग्लिश, ठीक है जी। यहाँ पे तो नॉर्मल है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना वाना नहीं है। नॉर्मल आपको दिख गया कि यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे करेंगे क्लिक। देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे कुछ विंडो 7 में अलग तरीके से आता है और 8 में अलग तरीके से आ रहा है। देख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश के लिए प्रॉपर है, बहुत जल्दी काम करता है। मेरे में तो 8 GB रैम है, तो बहुत फॉरवर्ड है, ये तो थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो आप हिंदी इंग्लिश जब भी मर्जी चूज कर सकते हैं, और ऐसा कोई बात नहीं है कि आपने हिंदी कर दिया तो टाइम लगेगा, बस विद इन अ सेकेंड आपका काम हो जाता है। तो चलिए, मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजीत। ऐसे आप हिंदी में, मतलब आप इंग्लिश में टाइप करेंगे ऑटोमेटिक ये हिंदी में कर देगा। तो अगर मान लीजिए आप बहुत सारा कंटेंट लिख रहे हैं, आप हिंदी में लिखते हैं, तो कईयों को नहीं पता होता कि भाई ये इतना सारा हिंदी में कैसे लिख देता है। जैसे आप फेसबुक पे कुछ पोस्ट डालते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कुछ पोस्ट डालते हैं, तो यहीं से इंग्लिश में लिखते हैं, स्पीड होती है, हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सर्च करेंगे रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, हिंदी में लिखेंगे, गूगल बहुत समझदार है, वो रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट से जितने भी रिजल्ट होगा वो आपके गूगल के डैशबोर्ड पे ला के, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ला के दे देगा। तो ये है, अगर आप हिंदी में, मैं भी हिंदी में बोलता हूँ, आपको बताता हूँ, तो आई लव हिंदी, और मातृभाषा हमारी भारत की हिंदी है, तो हमें इसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, लिखना चाहिए, ठीक है जी। तो ये है, आप भी इसको लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।